हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल दर्पण के लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलते रहें। हम हिमाचल दर्पण बुक का पेज नंबर 375 पढ़ रहे हैं और हमने जो 9वीं से 12वीं तक की कुछ जो स्कॉलरशिप योजनाएं हैं शिक्षा विभाग द्वारा जो चलाई जा रही है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ठाकुर सेन नेगी, महर्षि वाल्मीकि, इंदिरा गांधी संस्कृत सैनिक स्कूल, एनडीए, कल्पना चावला मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना और मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में उसकी जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ा। हम अब आगे जो है वो बाकी जो छात्रवृत्ति योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हमारे पास है आईएडीपी छात्रवृत्ति योजना। तो ये आईएडीपी के जो छात्र हैं उनसे उस परिवारों के लिए जो है उनके लिए है। तो जो 9वीं 10वीं में है 300 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है, +1 +2 में 800 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। कॉलेज स्तर पे जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते उनको 1200 रुपये और जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 2400 रुपये प्रति माह है वो छात्रवृत्ति जो है प्रदान की जा रही है। और लगभग 45,000 जो है बच्चे 145,135 बच्चे जो है इससे लाभान्वित हुए। तो एक क्लियर है 9वीं 10वीं में 300, +1 +2 में 800, कॉलेज में 1200 रुपये, जो हॉस्टल में नहीं रहते और हॉस्टल में जो रहते हैं उनको 2400 रुपये। लगभग ऐसी ही योजना जो है वो युद्ध के दौरान जो मारे गए या अपंग हुए जो सशस्त्र सेना के जो लोग हैं उनके बच्चों को जो है सैनिक हैं उनके बच्चों को जो है वो प्रदान की जाती है। तो 300 रुपये 9वीं और 10वीं में 300 रुपये लड़कों को और 600 रुपये लड़कियों को। ये थोड़ा सा अलग है इसमें। ऊपर जो आईआरडीपी के बच्चों को 9वीं 10वीं के 300 मिलते थे, यहाँ पे लड़कों को 300 और लड़कियों को 600 रुपये मिलते हैं। बाकी सेम है सब, +1 +2 में 800 रुपये, 1200 रुपये कॉलेज स्तर पे जो छात्रावास में नहीं रहते बच्चे और 2400 रुपये जो छात्रावास में रहते हैं। इसके अलावा SC ST OBC के छात्रों को जो है मैट्रिकोत्तर जो छात्रवृत्ति योजना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो प्रदान की जाती है। तो इसमें SC ST के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता की जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख से कम है और ओबीसी के जो बच्चे जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है माता पिता की उनको जो है ये प्रदान की जाती है। तो इसमें जो भी पाठ्यक्रम है उसको पूरा करने के लिए जो भी निर्वाह भत्ता है और जो पूरी फीस है छात्रवृत्ति के लिए वो जो है वो पात्र होंगे। तो इसमें कोई फिक्स पैसा नहीं है, इसमें जो निर्वाह भत्ता और जो पूरी फीस है वो जो है स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो है वो आती है। तो SC ST के लिए 2.5 लाख और OBC के लिए 1 लाख जो है वो वार्षिक आय होनी चाहिए माता पिता की, तो उन्हीं बच्चों को मिलती है। 30,000 SC के बच्चे, 3400 ST के बच्चे और लगभग 1900 OBC के बच्चों को जो है वो प्रदान की गई। फिर पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो OBC के बच्चों के लिए जिनकी इनकम जो है वो 44,500 से अधिक ना हो माँ बाप की, तो 1वीं से 10वीं के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को जो है ये प्रदान की जाती है। 9वीं 10वीं में 50 रुपये प्रति माह जो है वो प्रदान की जाती है और 250 रुपये प्रति माह जो है वो छात्रावास में रहने वाले बच्चों को और जो छात्रावास में नहीं रहते उनको 50 रुपये प्रति माह जो है वो प्रदान की जाती है। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना SC ST के लिए, तो जो सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थान में SC ST के बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं उनको ये मिलती है। उनके माता पिता की आय जो है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक। तो 9वीं 10वीं में हॉस्टल में जो नहीं रहते बच्चे उनको 2250 रुपये और जो हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे उनको 4500 रुपये जो है छात्रवृत्ति जो है SC ST के बच्चों को है वो प्रदान की जाती है। तो 16,000 SC के बच्चे और 1900 ST के बच्चे जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। फिर इसके बाद है SC ST जो छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए जो है ये प्रदान की जाती है। तो अनुदान राशि है SC ST के जो जनजाति के जो उन छात्राओं को मिलती है, ये स्पेशली लड़कियों के लिए है। ये जो जिन्होंने आठवीं जो है वो हिमाचल बोर्ड से की है और 9वीं में एडमिशन लिया है, तो 3,000 रुपये की राशि जो है वो अनुदान के रूप में उनको टाइम डिपॉजिट के रूप में या टर्म डिपॉजिट के रूप में वो प्रदान की जाती है SC ST की लड़कियों के लिए जिन्होंने 8वीं हिमाचल बोर्ड से करके 9वीं में एडमिशन लिया है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनको जो है वो प्रदान की जाती है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जो माइनॉरिटी के बच्चे हिमाचल में रहते हैं और उनके माता पिता की वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख से कम है और 50% से ज्यादा उन्होंने नंबर लिए हैं तो उनको ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 63 बच्चे जो है लाभान्वित हुए थे 2016-17 में। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 9वीं से 12वीं तक जो है वो कई जो है वो सरकार द्वारा जो है वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को जो है एक तो स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। इसके अलावा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें संस्कृत पढ़ाने वाले जो संस्कृत प्रवक्ताओं के जो वेतन के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा संस्कृत के जो विद्यालय है उनका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और प्रदेश सरकार जो है संस्कृत के उद्धान, शोध
के लिए जो है वो वित्तीय सहायता जो है केंद्र सरकार जो है वो प्रदान कर रही है। अगर हम अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें तो नई नई तकनीकों से जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो परिचित करवाने के लिए जो टीचरों को SCERT सोलन है, इसके अलावा GCTE जो धर्मशाला है, इसके अलावा जो हिप्पा है हमारा फेयरलॉन में, शिमला NUPA है नई दिल्ली, इसके अलावा CCRT, NCERT और RIE अजमेर और RIE जो चंडीगढ़ है, यहाँ पे अलग अलग संगोष्ठियां और कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं टीचर्स प्रशिक्षण के लिए। तो 1700 टीचरों को और गैर जो अध्यापक है उनको ये यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया है 2016-17-18 में। फिर यशवंत गुरुकुल आवास योजना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 61 स्कूलों में जो है ये शुरू की गई है, जो जनजातीय और जो हार्ड एरिया के जो सीनियर सेकेंडरी या हाई स्कूल है वहां पे जो टीचर नियुक्त हो रखे हैं उनको समुचित आवास की सुविधा प्रदान की जाए उसके लिए है। इसके अलावा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो SC ST OBC BPL के जो 9वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त जो है पुस्तकें जो है वो प्रदान की जा रही हैं। तो लगभग इस पे 11 करोड़ 71 लाख रुपया जो है वो खर्च हुआ और 1,09,000 बच्चे जो है इससे लाभान्वित हुए। अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फॉर फ्रेमवर्क 873 स्कूलों में जो 11 विषय हैं उसमें वोकेशनल एजुकेशन जो है वो शुरू की गई है। जो विषय हैं वो है ऑटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी, ITES, हेल्थ केयर जो है, शारीरिक शिक्षा है, VFSI है, मीडिया है, पर्यटन है, कृषि और टेलीकॉम, इन क्षेत्रों में जो है इन विषयों में जो है वो वोकेशनल एजुकेशन जो शुरू की गई है। 9वीं से 12वीं में कम से कम 2 सब्जेक्ट लेने होंगे इसमें। इसके अलावा जो 873 जो स्कूल हैं उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग सहयोगी पार्टनर द्वारा जो है वो 1816 जो है 873 स्कूलों में 1816 जो है वोकेशनल टीचर भी जो है वो नियुक्त किए गए हैं और इसमें लगभग 60,000 जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम दिव्यांग बच्चों की बात करें तो लगभग 40% से जो ज्यादा दिव्यांग बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री एजुकेशन शुरू की गई है, 2001-2002 से ही दी जा रही है। अगर हम छात्राओं की बात करें तो उनको जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री शिक्षा दी जा रही है जिसमें व्यावसायिक और प्रोफेशनल कोर्स है वो भी सम्मिलित है, लेकिन इसमें सिर्फ उनकी शिक्षा शुल्क जो है जो एजुकेशन फीस है वो ही माफ किया जाता है। अगर हम IT एजुकेशन की बात करें सूचना प्रौद्योगिकी, तो सभी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें आउटसोर्स या सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से जो है IT एजुकेशन जो है वो प्रदान की जा रही है और इसमें हर बच्चे से जो है 110 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी जो है फीस ली जा रही है। SC के बच्चों को 50% इस शुल्क में जो है वो छूट दी जाती है। 83,000 बच्चे जो है 2017-18 में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, IT एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें 6,361 SC के BPL के बच्चे हैं। 41 लाख का खर्चा हुआ है, लगभग 42 लाख का खर्चा हुआ है इसमें और 50% खर्चा जो है वो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो वहन कर रहा है। अगर हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति जो है उसकी देखरेख में यह अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार इसमें 10% जो है वो सहयोग करती है 2015-16 से। अगर हम बात करें तो अलग अलग गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जैसे कि जो माध्यमिक पाठशालाएं हैं उसके आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, सेवारत जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण देना, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, कला उत्सव, वार्षिक जो स्कूल अनुदान है, ये सब इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में जो है वो शामिल है। 2017-18 के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड भारत सरकार द्वारा लगभग इसमें आपका 140 जो है करोड़ रुपया जो है वो स्वीकृत किया गया और भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 34 करोड़ और 4.4 करोड़ 80 लाख जो है वो विभिन्न गतिविधियों के लिए जो जारी भी कर दिया गया है। अगर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, शिक्षा के पिछड़े खंडों में लड़कियों के लिए छात्रावास, तो जो 9वीं से 12वीं की जो लड़कियां हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी, SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो लड़कियां हैं और साथ ही साथ BPL की लड़कियां हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और BPL की जो लड़कियां हैं 9वीं से 12वीं के लिए, जो दो हमारे पिछड़े जिले हैं चंबा और सिरमौर, उसके जो पिछड़े शैक्षणिक जो पिछड़े खंड हैं जिस तो वहां पर जो है ये शुरू किया गया है। तो 3 जो इसमें हॉस्टल बनाए जा रहे हैं SC ST OBC BPL और माइनॉरिटी की लड़कियों के लिए, तो एक तो है चंबा में, 2 हैं हिमगिरी और महला में, और शिलाई जो सिरमौर का शिलाई है वहां पे ही है। तो टोटल 3 हॉस्टल जो है उसका निर्माण जो किया जा रहा है, 50 लड़कियों की क्षमता है इस हॉस्टल की।
और 35 लाख रुपए जो है इसके लिए स्वीकृत कर किए जा चुके हैं और लगभग 16 लाख की राशि जो है प्राप्त हो गई है। स्मार्ट क्लास की बात करें तो स्मार्ट क्लास के लिए मल्टी मीडिया शिक्षण साधन का प्रयोग जो है वो पठन पाठन गतिविधियों में किया जा रहा है। तो उसके लिए जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी परियोजना जो है वो के अंतर्गत जो है लगभग 2132 जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पे 5 स्मार्ट पाठशालाएं जो है 2017-18 में लागू की गई और 20 नए स्कूलों में भी जो है ये कार्य प्रगति पर है। रूसा की बात करें कॉलेज में ये लागू हुआ है तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो 90-10 केंद्र सरकार 90 और 10% राज्य के जो योगदान है अनुपात है उसमें ये शुरू किया गया रूसा अभियान 2013-14 में। ये भी पूछ लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों 2013-14 और 12वीं पंचवर्षीय योजना तो उसमें शुरू किया गया है। और मेन इसका है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो राज्य उच्च शिक्षा परिषद जो गठित किया है इसको लागू करने के लिए सभी सरकारी गैर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो कॉलेज हैं इसके अलावा संस्कृत कॉलेज हैं वहां पे स्नातक स्तर तक ग्रेजुएशन तक जो है सेमेस्टर और एवं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS जो है प्रणाली वो शुरू कर दी गई है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है मानव संसाधन मंत्रालय उसने 159 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार से वो प्राप्त भी हो चुके हैं और उनको जारी भी कर दिया गया है। तो जो है प्रदेश के सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है जो नेशनल एक्रीडिएशन और असेसमेंट काउंसिल जो है बेंगलुरु की वो इससे अपना जो है वो नैक से जो एक्रीडिएशन करवा रहे हैं। तो एक जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ जो 4 कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे नैक ने जो उनको ए ग्रेड जो है वो प्रदान किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और इसके अलावा 32 गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो नैक से जो है वो एक्रेडिटेशन हासिल कर चुके हैं 2000 दिसंबर 2017 तक। नेट बुक्स का वितरण तो 10वीं और 12वीं के जो लगभग 10,000 बच्चे हैं, 260 बच्चे उसमें एक्स्ट्रा हो गए टाई की वजह से क्योंकि स्कोर उनके एक जैसे थे। तो लगभग 10,000 बच्चों को स्कूल बोर्ड में जिन्होंने 10वीं और 12वीं में जो है वो मेरिट में आए उनको नेट बुक्स जो है वो राजीव गांधी डिजिटल छात्र योजना के अंतर्गत जो है वो दिया गया है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर निःशक्त बच्चों को समेकित शिक्षा, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं 2013 में ये शुरू किया गया तो उन 12 उसके लिए 12 जो है मॉडल स्कूल खोले गए हैं जरूरतमंद विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए 12 2017-18 में उनको शिक्षित करने के लिए। और साथ ही साथ 18 जो है वो स्पेशल टीचर भी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 2734 विशेष बच्चे चिन्हित भी किए गए हैं और इसके अलावा इनके लिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं और 380 विशेष उपकरण भी इनके बच्चों के लिए जो है वो बांटे गए हैं। इसके अलावा जो ये दिव्यांग बच्चे हैं इनको मुफ्त किताबें या स्कॉट भत्ता ब्रेल किताबें जो है वो प्रदान की जाती हैं। अगर हम मुख्यमंत्री वर्दी योजना की बात करें तो 11वीं 12वीं के सभी बच्चों को जो है वो 2 सेट वर्दी जो है वो प्रदान की जा रही है। 10 करोड़ का खर्चा है, 1,77,000 बच्चे जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। अगर हम मुख्यमंत्री आदर्श मॉडल स्कूल की बात करें तो हर विधानसभा में 2017 में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को जो है वो मॉडल स्कूल जो है वो नॉमिनेट किया गया है। तो लगभग 136 जो है वो 68 विधानसभाओं में जो स्कूलों को नॉमिनेट किया गया है। मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना की बात करें तो समाज के सभी वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा स्तर सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना जो है वो शुरू की गई है। इसमें जो है वो बच्चे जो है स्कूल बैंक से जो है लोन ले सकते हैं, लगभग 10 लाख का लोन 4% की दर पे जो है अगर वो विदेश में या भारत में कहीं पे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो उनको प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा 1983 में व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को भी जो है वो इस विभाग के अंतर्गत जो है वो लाया गया। तो वर्तमान में विभाग का कार्य क्षेत्र जो है वो तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण जो है वो के ऊपर है। तो कौन कौन से कोर्स जो है वो तकनीकी शिक्षण जो संस्थान है वो कौन कौन से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में कमांड में है, IIT मंडी में है एक है। इसके अलावा NIT हिमाचल प्रदेश में एक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में है, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कांगड़ा में है, राष्ट्रीय भारतीय प्रबंधन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो है वो सिरमौर में है, पांवटा में है, वर्तमान में धौलाकुआं में खुलना है एक है ये भी। IIIT भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान ये ऊना में है, IIIT।
इसके अलावा केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपैट बद्दी, ये नालागढ़ में है। फिर है क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र महिला RVTI जुंडला तहसील शिमला ग्रामीण, तो ये वहां पर खोला गया है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुंदरनगर 2006 में खुला था ये, तो जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये है ये गवर्नमेंट का है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान जो है प्रगति नगर शिमला में 2012 में एस्टेब्लिश हुआ, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय कांगड़ा के नगरोटा बागवा में है राजीव गांधी। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, तो आपने ये याद रखने हैं गवर्नमेंट कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है। महात्मा गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय कोटला तहसील रामपुर ज्यूरी, तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है इंजीनियरिंग का। तो इसके अलावा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये बिलासपुर में है बंदला में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बी फार्मेसी का एकमात्र कॉलेज है रोड़ू में और नगरोटा बागवा में भी खुला है, तो दो कॉलेज हैं गवर्नमेंट स्तर के बी फार्मेसी के। इसके अलावा बी फार्मेसी निजी क्षेत्र में 13 है और गवर्नमेंट कॉलेज निजी क्षेत्र में 12 है। तो ऊपर जितने भी थे गवर्नमेंट कॉलेज जो है इंजीनियरिंग के वो हमने पढ़े, और साथ ही साथ बी फार्मेसी के 2 हैं और बाकी हमारे 4 जो हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र में 12 हैं। अगर हम बहु तकनीकी सरकारी क्षेत्र में बात करें पॉलिटेक्निक की, तो 15 पॉलिटेक्निक सरकारी क्षेत्र में है। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में जो 19 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। अगर हम डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें, निजी क्षेत्र में 2 डी फार्मेसी के कॉलेज हैं। सेकेंड शिफ्ट डिप्लोमा कोर्सेज जो है 6 हैं निजी क्षेत्र में। इसके अलावा सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI 103 है सरकारी क्षेत्र में। स्टेट ऑफ ITI तो ये 10 हैं, स्टेट ऑफ ITI। इसके अलावा मॉडल ITI जो है वो नालागढ़ में है। और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 9 हो गए हैं अब ITI, महिला ITI सरकारी क्षेत्र में 9 है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए एकमात्र ITI जो है वो सुंदरनगर में है सरकारी क्षेत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आया हुआ भी है। मोटर ड्राइविंग स्कूल ऊना में है सरकारी क्षेत्र का, और ITI जो है निजी क्षेत्र में 148 है। सरकारी क्षेत्र में 103 ITI है, निजी क्षेत्र में ही है। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र निजी क्षेत्र में हमने पढ़ लिया। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र 5 है, टोटल 359 है। तो अगर हम इंजीनियरिंग, तो ये हमारे जो कुछ हुए हैं, हम बाकी जो है वो इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी के अंतर्गत जो है वो महाविद्यालय में स्नातक स्तर की जो है वो शिक्षा दी जाती है। तो ग्रेजुएशन लेवल के जो हैं ये डिग्री लेवल के जो हैं ग्रेजुएशन डिग्री, तो उसमें इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी जो है वो स्नातक स्तर की दी जाती है। जबकि जो पॉलिटेक्निक संस्था में 2 से 3 साल के जो पाठ्यक्रम है वो 14 विभिन्न इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग शाखाओं में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के तक जो है शिक्षा और जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जा रहा है। तो ये है। इसके अलावा ITI में 37 इंजीनियरिंग और 19 नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय में 2 वर्ष के और 1 वर्ष के सर्टिफिकेट स्तर के प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जा रहा है। तो ITI में जो है हमारे 37 इंजीनियरिंग और 19 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो हैं उसमें प्रशिक्षण प्राप्त प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक है उसमें 2 से 3 साल के जो है वो 14 इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी में जो है हमने स्नातक स्तर की शिक्षा जो है वो प्रदान की जा रही है। तो अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो डिग्री स्तर पे 4,070 बच्चों की क्षमता है, बी फार्मेसी में 858 की क्षमता है, डिप्लोमा में 7,837 की क्षमता है। और अगर हम सरकारी और निजी ITI की बात करें जो कि हमने पढ़ी थी 103 और 148 के आसपास हमारे प्राइवेट और निजी जो हैं वो ITI हैं, उसमें 47,784 बच्चे, लगभग 60,000 बच्चे जो हैं वो निजी क्षेत्र जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। बाकी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।